हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम चैन, आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मीनाक्षी और उसकी सहेली। कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीनाक्षी की दोस्त सीतर का फ़ोन आता। मीनाक्षी, और इतने दिनों बाद कैसे याद किया? सीतर का मेरा बेटा 1 साल का हो जाएगा। इसी खुशी में मैं और सूरज एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं, कर आना भूलना मत। कॉलेज की सारी सहेलियाँ आ रही हैं, मीनाक्षी जरूर आऊँगी कहकर फोन रख देती। कॉलेज की सहेलियों का नाम सुनते ही मीनाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और पुरानी यादों में खो जाती। तभी मीनाक्षी के गेट की बेल बजती। मीनाक्षी के पति सौरभ का ऑफिस से आने का समय हो गया था। मीनाक्षी जब गेट खोलती तो मीनाक्षी के चेहरे की मुस्कान देखकर सौरभ पूछता, आज इतनी खुश क्यों हो? मैडम, मीनाक्षी, आज मेरी दोस्त सीतर का फ़ोन आया, उसका बेटा 1 वर्ष का हो गया है, कर पार्टी दे रही है जिसमें कॉलेज की सभी फ्रेंड आ रही हैं। बस यही सुनकर कॉलेज की दोस्त याद आ गई और इतने सालों बाद दोस्तों से मिलने की खुशी से चेहरा चमक गया। तो कर हम दोनों चलेंगे ना? मीनाक्षी ने पूछा। सौरभ, आपके चेहरे की चमक बरकरार रखने के लिए चलना तो पड़ेगा ही। दूसरे दिन मीनाक्षी और सौरभ तैयार होकर सीतर के यहाँ पार्टी में जाते। मीनाक्षी अपनी कॉलेज की फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश थी। जब वही अपनी सहेलियों से बात कर रही थी तभी पल्लवी भी आ दी। मीनाक्षी सीतर से, ये कौन है, इसे कहीं देखा है? सीतर, ये पल्लवी है। पल्लवी, कितनी बतर गई है ना, करे में हीरो का हार और महंगी साड़ी और ज्वेलरी देखकर मीनाक्षी को तो विश्वास ही नहीं हुआ यह पल्लवी है। क्योंकि पल्लवी तो एक मिडिल क्लास फैमिली से नाता रखती थी, उसके पति की इनकम तो 15-20 हज़ार रुपये ही होगी। मीनाक्षी सोच रही थी आखिर ये इतनी बतर कैसे गई। तभी पल्लवी आकर अपने कॉलेज की फ्रेंड के ग्रुप में ज्वाइंट हो जाती। मीनाक्षी से रहा नहीं गया और उसने पल्लवी से पूछ ही लिया, पल्लवी तुम तो पहले से बहुत बतर गई हो, कहीं लॉटरी रख गई क्या? पल्लवी, ऐसा ही समझ लो, मीनाक्षी तो सच में लॉटरी रख गई। पल्लवी, नहीं, ये सब तो इन्वेस्टमेंट का कमा रहे। मीनाक्षी, इन्वेस्टमेंट? हाँ, मैंने एक जगह पहले 5,000 रुपये जमा किए थे और 6 महीने बाद 10,000 रुपये मिले। फिर सोचा बहुत सारे पैसे जमा करती हूँ जिससे बहुत पैसा मिलेगा। फिर बाद में मैंने हाल लेकर 5 लाख रुपए जमा किए तो 10 लाख रुपए मिले। जितने पैसे जमा करो 6 महीने में दुगना पैसा पाओ। सीतर कहती, मीनाक्षी सच ही कह रही है, मैंने भी 6 महीने पहले 10,000 रुपए जमा किए थे तो अब तक तो मेरे भी 20,000 रुपए आ गए होंगे ना। पल्लवी, ए लो तुम्हारे 20,000 रुपए, तुम चाहो तो मैं 20,000 रुपए भी जमा करके 6 महीने बाद 40,000 रुपए दे सकती हूँ। सीतर, क्यों नहीं, ए लो 20,000 रुपए और दे देना मुझे 6 महीने बाद 40,000 रुपए। जब मीनाक्षी और उसकी सहेलियाँ पार्टी से घर जाती तो पल्लवी को एक महंगी और बड़ी कार से जाता देख मीनाक्षी सोचती, क्यों ना मैं भी पैसे इन्वेस्टमेंट करूं। और घर जाते ही वह सौरभ से कहती, तुम्हें पता है पल्लवी ने किस तरह पैसे इन्वेस्टमेंट करके इतने पैसे जोड़ लिए? सौरभ मीनाक्षी से कहता, देखो मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और यदि ऐसी कोई योजना होती तो हम सबको पता होती, कहीं ना कहीं हमने भी तो सुना होता ना। और इन सब बातों के चक्कर में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास भी तो किसी चीज़ की कमी नहीं और मेरी सहेली इतनी तो है कि हम सब खुश रह सकें ना। मीनाक्षी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती, लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार पल्लवी का चेहरा ही नजर आ रहा था। वह तो पैसे जमा करना चाहती थी लेकिन सौरभ की मर्जी नहीं थी, इसलिए उसने भी पैसा जमा करना जरूरी नहीं समझा। कुछ दिनों में वह सब भूलने लगी थी। तभी उसकी गेट की बेल बजती। दरवाजे पर पल्लवी थी। इस बार वह दूसरी नई कार से आई थी और उसका स्टैंडर्ड तो किसी बड़े सेलिब्रिटी से कम नहीं था। मीनाक्षी पल्लवी को देखे जा रही थी। तभी पल्लवी कहती, कहाँ खो गई मैडम, अंदर नहीं बुलाओगी, बाहर से ही भगाने का रहता है क्या? मीनाक्षी चौंक कर, क्या कह रही हो, अंदर आओ ना पल्लवी। मीनाक्षी और पल्लवी बहुत बातें करती। आखिर में पल्लवी मीनाक्षी से कहती, क्यों तुम भी इस योजना में पैसे जमा क्यों नहीं करती, 6 महीने में ही तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। मीनाक्षी, मन तो मेरा भी है पर सौरभ मना कर रहे हैं।
पल्लवी मुस्कुरा कर कहती, यदि मैंने भी अपने पति से पूछकर पैसे जमा किए होते तो आज मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते, और अपने पति की छोटी सी सहेली से झूठी खुशी सबको दिखाती रहती, और आज मेरे पति मेरी तारीफ करते नहीं थकते हैं। यदि तुम नहीं होती तो मेरे पास इतना पैसा नहीं होता, बार बार यही कहते हैं, खुशियां नहीं होती इतनी हमारे पास। देखो मेरे पति छोटी सी नौकरी छोड़कर आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास तो समय ही नहीं घर पर रहने का, टैक्सी में घूमते थे और आज एरोप्लेन में घूम रहे हैं, आगे तेरी मर्जी। नाक्षी सोचने रखती, तभी पल्लवी कहती, तू सोच में जाती हूँ, फिर यदि एक साल बाद यह योजना ख़त्म हो गई तो मुझसे मत कहना। मीनाक्षी तुम रुको, इसमें सोचना क्या है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, रुको मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मीनाक्षी 10,000 रुपये लेकर आती है। पल्लवी हंसने रखती है, मैं चाहती हूँ तुम लाखों रुपये कमाओ और तुम चिल्लर लेकर आ गई। मीनाक्षी चाहती तो मैं भी हूँ, पर इससे ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं है, और सौरभ से मांगूंगी तो वह देंगे नहीं। पल्लवी तो एक काम करो, अपने इस सोने के कंगन और गले की चैन मुझे दे दो, इनकी कीमत 2,00,000 रुपये तो होगी। मीनाक्षी नहीं ए, मैं तुम्हें नहीं दे सकती, अभी कुछ महीने पहले ही हमारी एनिवर्सरी थी, सौरभ ने एक कंगन मुझे गिफ्ट दिए थे, और वह पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी, जानती हो 4 साल से मैं इन कंगनों का इंतजार कर रही हूँ। 4 साल पहले सौरभ ने मुझसे वादा किया था, जब भी मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें एनिवर्सरी पर तुम्हें कंगन गिफ्ट करूँगा। पल्लवी तो मैं कब कह रही हूँ, तो मैंने बेच दो, तुम मुझे एक कंगन और अपनी चैन दे दो, मैं इन्हें गिरवी अपने पास रख लूँगी और अपनी तरफ से 2,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर देती हूँ, जब 6 महीने हो जाएंगे तो तुम्हारे 4,00,000 रुपये हो जाएंगे, तो तुम मुझसे 2,00,000 रुपये और अपने गहने ले जाना और मुझे मेरे 2,00,000 रुपये मिल जाएंगे। और क्या तुम्हारा मन नहीं है कि इस बार की एनिवर्सरी पर तुम सौरभ को कोई महंगी किसी गिफ्ट दो, देखो उसकी बाइक कितनी पुरानी हो गई है, नई खरीद के दे देना, सौरभ भी कितना खुश होगा, आगे तुम्हारी मर्जी। मीनाक्षी तुम सही कह रही हो, गहने कहाँ जाएंगे, तुम संवार कर इन्हें अपने पास रख लेना, कहकर पल्लवी को गहने दे देती है। शाम को सौरभ घर आता तो मीनाक्षी के हाथ में कंगन और सोने की चैन ना देखकर सौरभ पूछता, मीनाक्षी तुम्हारी कंगन और सोने की चैन कहाँ गई है। मीनाक्षी तुम तो जानते ही हो आजकल चोरी कितनी बढ़ गई है, मुझे पहनने में डर रखता है कोई दे ना जाए, इसलिए मैंने उतार कर संभाल के रख दी। सौरभ तुम भी अजीब हो, जब कंगन नहीं थे तो कहती रहती थी मुझसे कि देखो सब पहने हैं और मेरे पास नहीं है, और अब दे दिए तो डरती हो पहनने में। मीनाक्षी जब कोई ज़रूरी फंक्शन होगा तो पहन लूँगी, सौरभ जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मीनाक्षी को 6 महीने बीतने का इंतजार था, जैसे ही 6 महीने बीतते तो उसके पास 2,00,000 रुपये और उसकी ज्वेलरी वापस उसे मिल जाती। समय निकलता गया, 6 महीने बीत गए, मीनाक्षी अब पल्लवी से मिलने जाती। पल्लवी के घर पर जाकर देखती कि पल्लवी तो घर पर है ही नहीं, उसके घर का ताला लगा हुआ है। पल्लवी के घर पर न होने से मीनाक्षी थोड़ा घबरा जाती, वही उसे फ़ोन करती तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। मीनाक्षी सोचती कि पल्लवी इतनी व्यस्त रहती है, कहीं और गई होगी, मैं कुछ दिनों बाद आकर उससे मिलती हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद मीनाक्षी फिर पल्लवी के घर जाती तो इस बार तो पल्लवी के घर पर कोई और था। वही बताते कि पल्लवी तो इस घर में किराए से रहती थी, ये घर तो किसी और का है। मीनाक्षी पल्लवी को फ़ोन लगाती और पल्लवी फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, तभी वह सीतर को फ़ोन लगाती। सीतर बताती कि पल्लवी ने हमें धोखा दिया है, मेरे भी उसने 20,000 रुपये रोता है नहीं, और वह तुम्हें भी धोखा ही देकर कहीं भाग गई है, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह मिली ही नहीं। मीनाक्षी घर पर जाती और घर पर जाकर रोने रखती, तभी सौरभ उससे पूछता क्या हुआ। मीनाक्षी सौरभ को सब कुछ सच सच बता देती। सौरभ मीनाक्षी से, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसी कोई योजना पर विश्वास मत करो, लेकिन तुमने मेरे मना करने के बाद भी पैसे जमा कर दिए। गुस्से से वहाँ से चला जाता। मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन अब वह क्या करती, 2-3 दिन मीनाक्षी का चेहरा उतरा ही रहता।
ये सब देखकर सौरभ मीनाक्षी से कहता, जो होना था सो हो गया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तुम तो जानती हो, जब तुमने 4 साल पहले वो कंगन मुझसे मांगे थे और मैं तुम्हें नहीं दे सका तो मुझे कितना बुरा रखा था कि तुम्हारी पहली फरमाइश मैं पूरा नहीं कर सका। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और जैसे तैसे पैसे जोड़ कर तुम्हारे लिए वो कंगन लेकर आया और तुमने इस तरह अपने दोस्त को दे दिया। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैं तुम पर चिल्ला गया था, लेकिन आगे से तो ध्यान रखना। मीनाक्षी सौरभ से कहती, सॉरी मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया, लेकिन मैं पल्लवी को छोड़ूंगी नहीं, उसे जरूर ढूंढूंगी और अपने गहने वापस पाकर ही रहूंगी। क्या मीनाक्षी पल्लवी को ढूंढ पाएगी? क्या वह अपने गहने वापस पा पाएगी? कहानी के सेकंड भाग में जरूर देखिएगा। दूर से चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए हर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। अपने पैसे इन्वेस्ट करने के पहले एक बार जांच पड़ताल जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।